दोस्तों, एचएससी भर्तियों को लेकर जो है अभी अभी एक और बड़ी खबर आई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, एचएससी भर्तियों को लेकर जो है अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, देख सकते हैं दोस्तों। उलझता जा रहा है ग्रुप सी पदों की भर्ती का मामला, क्योंकि दोस्तों आप भी लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा में ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसका जो मामला है वो लगातार उलझता जा रहा है। ग्रुप सी के सीईटी स्कोर में जो है एनटीए की तरफ से जो है दोस्तों ये एग्ज़ाम आपका करवाया गया था और इसमें जो है हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक शामिल किए गए थे। सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक या तो परिवार पहचान पत्र के आधार पर मिल रहे हैं या फिर उम्मीदवारों की तरफ से सर्टिफिकेट अपलोड किए गए थे उसके दावे के अनुसार जो है आपको सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक मिल रहे हैं, लेकिन इसमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस पर भी जो है दोस्तों एक कोर्ट केस है, जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो अंक हैं दोस्तों उसको लेकर भी एक कोर्ट केस है इसके वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ आपका, या तो फिर आपके जो फैमिली आईडी जो परिवार पहचान पत्र है उसमें अगर आपकी इनकम कम है उसके आधार पर आपको सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक मिले हैं, या फिर कैंडिडेट ने जो दावा किया है उसके आधार पर आपको सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक दिए गए थे। लेकिन इसमें जो है दोस्तों काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, उसके बावजूद भी जो है दोस्तों एचएससी के द्वारा इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई और आपका सीईटी का जो स्कोर है वो जारी कर दिया गया। सीईटी का जो भी स्कोर था दोस्तों उसमें सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक जोड़ने के बाद आपका फाइनल जो स्कोर जो दिया गया था उसको जारी कर दिया गया था। और जो अब ग्रुप नंबर 56 और 57 ग्रुप नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी 4 गुना कैंडिडेट को ही जो है दोस्तों इसमें बुलाया गया था मेरिट के आधार पर। अब जो है दोस्तों सरकारी नौकरी परिवार में न होने के कारण इसमें आपको अंक मिलते थे, या फिर विधवा होने पर, उम्मीदवारों के अनाथ होने पर, पिता की समय से पहले मृत्यु होने पर, सरकारी विभाग बोर्ड निगमों की जो है अस्थायी भर्तियों के अनुभव के आधार पर भी जो है, यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर भी जो है आपको इसमें अंक मिलते थे। सीईटी पास हुए लगभग 1 लाख ने जो है सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक का दावा किया है, यानी कि जो 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक का दावा किया है। और जो है दोस्तों इसमें सामाजिक आर्थिक मापदंड का दावा करने के बावजूद भी जो है काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अंक नहीं मिलने थे उनको अंक मिल रहे हैं, और जिनको अंक रियल में अंक मिलने चाहिए थे उनको अंक नहीं मिले। तो इस प्रकार के भी जो हैं दोस्तों इसमें मामले ज़्यादा सामने आए थे और अभी तक एचएससी के द्वारा इसमें सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक को लेकर कोई वेरिफिकेशन की प्रोसेस नहीं चलाई गई। उसके बाद जो है दोस्तों मगर एचएससी ने यह वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहता। अब आयोग के पास 1 महीना है, अगर आयोग चाहे तो यह वेरिफिकेशन करवा सकता है ताकि अगली सुनवाई तक वेरिफिकेशन के बाद सीईटी स्कोर में बदलाव हो, यानी कि अगर आपके सीईटी स्कोर में अगर कुछ बदलाव होना है तो जो आपकी जो डेट दी गई है अक्टूबर महीने में उस डेट पर जो है दोस्तों कोर्ट में सुनवाई होगी, उस समय तक जो है इसको तैयार किया जा सके। उसके बाद जो है दोस्तों आगे के जो एग्ज़ाम हैं, क्योंकि अभी केवल और केवल 2 ग्रुप के एग्ज़ाम हुए हैं, बाकी ग्रुप के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए अदालत से अनुमति नहीं मिली है, जब तक किसी भी ग्रुप का पेपर नहीं लिया जा सकता। ये देख सकते हैं दोस्तों साफ साफ यहाँ पर बताया गया है, सबसे अच्छा मौका है दोस्तों एसएससी की तैयारी कर लीजिए। दिल्ली पुलिस में जो है दोस्तों 7,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं, जी तोड़ के मेहनत कर लीजिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा उसमें। एचएससी के चक्कर में जो है दोस्तों आप न पढ़ें, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं एचएससी की कोई भी भर्ती लगभग पूरी नहीं हुई है अभी तक भी। उसके बाद जो है दोस्तों अगर डाटा वेरिफिकेशन हो जाता है तो मुकदमे जो है इस पर रुक जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है।
जब तक अदालत नहीं कहेगी, जब तक किसी भी एग्ज़ाम का पेपर जो है एचएससी नहीं ले सकती। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें। और ये देख सकते हैं दोस्तों, अगली जो सुनवाई होने वाली है आपकी, वो 3 अक्टूबर को होने वाली है। जब तक भर्तियाँ लटक चुकी हैं, एक अदालत नहीं कहेगी किसी भी ग्रुप का पेपर नहीं हो सकता। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें। और एचएससी से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी रेगुलरली पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।